Welcome to Studygo with Zenith. For more videos, subscribe the channel and for latest update, follow us on Telegram and Instagram. अगर आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी. उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप जरूर चेक कर लेना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ द सी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कैसे अस्तित्व में आया, ये अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था. अब हम लॉ ऑफ द सी में कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे. आज के वीडियो में हम कवर करेंगे टेरिटोरियल वाटर, जिसको आप मैरीटाइम बेल्ट भी कहते हैं या फिर टेरिटोरियल सी के नाम से भी जानते हैं. इसके अलावा ये चार टॉपिक और हैं जो हमें कवर करना है लॉ ऑफ द सी में, जैसे कि कॉन्टिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, हाई सी. ये चार टॉपिक हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे. जैसे कि आपको पता ही है, अर्थ का 30% पार्ट लैंड कवर्ड है एंड 70% पार्ट यानी मेजर पार्ट वाटर कवर्ड है. और अर्थ पर टोटल चार ओशन है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, जिसमें से सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन. तो जैसे कि 70% अर्थ का पानी ही पानी है, समुद्र में काफी सारे ऐसे तत्व हैं जो कि डेली यूसेज के लिए तो जरूरी है ही, लाइफ के लिए जरूरी है ही. बाकी जो मेजर चीजें हो गई लाइक इंडस्ट्री वगैरह और कमर्शियल यूसेज, इन सब चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसलिए समुद्र में जितने भी रिसोर्सेज वगैरह होते हैं उनके यूज को देखते हुए कोस्टल स्टेट से जो सटा हुआ समुद्र है उसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहला जोन आता है टेरिटोरियल जोन, जिसको आप मैरीटाइम बेल्ट भी कहते हैं. मैरीटाइम बेल्ट या फिर टेरिटोरियल वाटर समुद्र का वो हिस्सा होता है जो कि कोस्टल स्टेट के बिल्कुल एडजेसेंट होता है, कोस्टल स्टेट से बिल्कुल जुड़ा होता है. और इस हिस्से पर कोस्टल स्टेट सोवरेनिटी एक्सरसाइज करता है, संप्रभुता एक्सरसाइज करता है. और ये सोवरेनिटी कोस्टल स्टेट जो भी इंटरनेशनल लॉ में रूल्स हैं और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी में जो प्रोविजन है उनके सब्जेक्ट में रहते हुए ही एक्सरसाइज करता है. और कोस्टल स्टेट सिर्फ और सिर्फ टेरिटोरियल वाटर के ऊपर ही सोवरेनिटी एक्सरसाइज नहीं करता है, बल्कि टेरिटोरियल वाटर के ऊपर जो एयर स्पेस वगैरह है और टेरिटोरियल वाटर के नीचे जो बेड और सबसॉइल है उनके ऊपर भी सोवरेनिटी एक्सरसाइज करता है. इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में टेरिटोरियल वाटर का मतलब होता है समुद्र का वो एरिया जो कि स्टेट शोर के बिल्कुल एडजेसेंट होता है, इमिडिएटली एडजेसेंट होता है. वो एरिया समुद्र का क्या कहलाता है? टेरिटोरियल वाटर या फिर मैरीटाइम बेल्ट कहलाता है. और ये समुद्र का एरिया स्टेट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के सब्जेक्ट में होता है, स्टेट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अधीन होता है. जैसे कि टेरिटोरियल वाटर के ऊपर एक कोस्टल स्टेट एक्सरसाइज करता है सोवरेनिटी, तो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी रही है कि कितना पार्ट समुद्र का टेरिटोरियल वाटर माना जाना चाहिए, यानी कि कितनी ब्रेथ होनी चाहिए टेरिटोरियल वाटर की, टेरिटोरियल वाटर की कितनी विथ होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए. तो सबसे पहले एक जुरिस थे, भयंकर शोयक नाम था जिनका, बहुत ज़्यादा फेमस जुरिस थे. इन्होंने कहा कि जो ब्रेथ है मैरीटाइम बेल्ट की वो एक्सटेंड करनी चाहिए उस दूरी तक जहाँ तक एक कैनन से फायर किया जा सकता है, एक तोप से निशाना लगाया जा सकता है. 18th सेंचुरी तक जो कैनन का शॉर्ट रेंज होता था वो 3 माइल तक होता था, यानी कि एक तोप से 3 मील तक निशाना लगाया जा सकता था. तो इसी वजह से ऐसा माना जाता था कि जो ब्रेथ है मैरीटाइम बेल्ट की वो एक्सटेंड करेगी 3 माइल्स तक. तो इस तरह से ये कैनन शॉट रूल 18th सेंचुरी में बहुत ज्यादा प्रचलित रहा. ग्रोशस ने कहा कि जो कोस्टल स्टेट है वो मैरीटाइम बेल्ट के ऊपर सोवरेनिटी वहां तक एक्सरसाइज कर सकता है, वहां तक कोस्टल स्टेट की सोवरेनिटी मैरीटाइम बेल्ट पर एक्सटेंड होती है जहां तक कोस्टल स्टेट इफेक्टिव कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है. और इस व्यू को एक जुरिस थे बैटल, इन्होंने भी सब्सक्राइब किया. अब अगर हम बात करें कैनन शॉट रूल की जो 3 माइल्स तक एक्सटेंड होता है, जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्च होती गई, बहुत ज्यादा इन्वेंशन होते गए, बहुत ज्यादा डिस्कवरी होती गई, तो जो कैनन शॉट था उसकी रेंज भी इंक्रीज हो गई. और इस वजह से ये जरूरी हो गया कि जो ये कैनन शॉट रूल है इसको चेंज कर दिया जाए. मैरीटाइम बेल्ट की चौड़ाई फिक्स करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया लीग ऑफ नेशन के द्वारा. फिर इसके बाद द हेग कोडिफिकेशन कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में. इस कॉन्फ्रेंस के तहत जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था 3 माइल्स का कैनन शॉट रूल, जो भी हमने आपको बताया, इसको अपोज किया गया, इसका अपोज किया गया, इसका विरोध किया गया. फिर इसके बाद डिफरेंट कंट्रीज का मैरीटाइम बेल्ट की विथ को लेकर डिफरेंट डिफरेंट क्लेम थे, यानी कि अलग अलग देश मैरीटाइम बेल्ट की चौड़ाई का अलग अलग दावा कर रहे थे. तो इनके बीच काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी थी. इस कॉन्ट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने के लिए, इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको हम कहते हैं जिनेवा कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी 1958. इस कॉन्फ्रेंस के तहत भी डिफरेंट कंट्रीज ने मैरीटाइम बेल्ट के डिफरेंट विथ का दावा किया. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में भी ये जो कॉन्ट्रोवर्सी थी मैरीटाइम बेल्ट के विथ को लेकर
ये कंट्रोवर्सी सॉल्व नहीं हो पाई। जैसे कि कंट्रोवर्सी रिजॉल्व नहीं हो पाई, इसी वजह से कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने के लिए एक और कॉन्फ्रेंस हुई, सेकेंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे आप कह सकते हैं 1960 में हुई और जेनेवा में हुई। इस कॉन्फ्रेंस ने अमेरिका ने एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला प्रेजेंट किया और ये कहा कि जो ब्रेथ है टेरिटोरियल वाटर की वो 6 माइल तक एक्सटेंड होनी चाहिए एंड बियॉन्ड द 6 माइल जो कोस्टल स्टेट है उनको ये राइट होना चाहिए कि वो फिशिंग कर सकते हैं। तो ये जो प्रपोजल था अमेरिका का, इसको रिजेक्ट कर दिया गया और लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स ने इस व्यू को सब्सक्राइब किया कि जो ब्रेथ है टेरिटोरियल वाटर की वो होनी चाहिए 12 माइल्स तक, यानी कि 12 मील तक होनी चाहिए। टेरिटोरियल वाटर की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई को लेकर जो भी कॉन्ट्रोवर्सी थी वो सारी की सारी एंड हो गई जैसे ही यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 को अडॉप्ट किया गया। इस कन्वेंशन के तहत आर्टिकल 3 में ये प्रोवाइड किया गया कि हर स्टेट को ये अधिकार है कि वो इस्टेब्लिश कर सकती है अपने टेरिटोरियल सी की ब्रेथ, अपने टेरिटोरियल सी की चौड़ाई और कितनी 12 न्यूटिकल माइल्स तक, मतलब जो कोस्टल स्टेट का बेसलाइन है वहां से 12 न्यूटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी का ब्रेथ हर स्टेट एस्टैब्लिश कर सकती है। और 12 न्यूटिकल माइल्स का मतलब होता है 22 किलोमीटर 14 माइल्स। एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि मैरीटाइम बेल्ट का मतलब होता है समुद्र का वो हिस्सा जो कि कोस्टल स्टेट के एडजेसेंट है और कोस्टल स्टेट की बेसलाइन से 12 न्यूटिकल माइल्स तक फैला है। सो गाइज इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दिया करो क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपको शेयर करने में जरा भी मेहनत नहीं लगती है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इनोसेंट पैसेज, इंटरनेशनल लॉ की जितनी भी वीडियोज मैंने बनाई है वो सारी की सारी एक प्लेलिस्ट में मिलेंगी, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप जरूर चेक कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और जरूर लाइक कर देना।